गोपागंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा बाड़ा के राजभर बस्ती में नाली के पानी के निकास की समस्या बनी हुई है। गांव में नाली का मरम्मत और निकास न होने से व गंदे पानी के जल जमाव से दुर्गंध पैदा हो रही है। वही घरों का गंदा पानी खेतों में बहाने से फसल भी चौपट हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द नाली निर्माण कराने की मांग किया है। ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बाड़ा के राजभर बस्ती में नाली 3 वर्ष से जगह जगह टूटी हुई है, जिसके चलते ग्रामीण रास्ता और खेतों में घरों का गंदा पानी बहाने के लिए मजबूर है। कई बार ग्राम प्रधान से नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था और मरम्मत करने को कहा गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के अधिकांश घरों की नालियों का पानी खेतों में बहाया जाता है, जिससे खेतों की फसल भी बर्बाद हो जाती है। गंदे पानी की सड़न से वातावरण दूषित होने के साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों की आशंका बनी हुई है। ग्राम बाड़ा के राजभर बस्ती के ममता देवी, रंभा देवी, चिंता देवी, लालसा देवी, रीना उर्मिला, गीता मंजू, अंजनी मौर्य, चंदीप राजभर, चंद्रकांत राजभर आदि ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए पानी के निकासी की व्यवस्था कराने की मांग किया है। ये तो हम हमारे ऊपर की बात तो है नहीं, हम अपने मन से साफ करवा लें। इसकी शिकायत आपने प्रधान से किया? 500 मरतबे। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान अब कह लगे अब नाली बनवा लेंगे तो गढ़ाई साफ करा लेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, तो ऐसे ऐसे टालते हैं कि 3 महीना में साफ हो जाएगा। मतलब इसी तरह करके टाल देते हैं? 3 साल आज हो गया। किसी पूरे ग्राम सभा से आप पूछ लीजिए, इधर के जितने लोग हैं वो 3 साल से 8.5 मंडा खेत हमारा पड़ती है और 4.5 मंडा सुब्बा राजभर का और 4 मंडा भगेलू का, उमा का, ये तीनों लोगों का खेत 16-17 मंडा पड़ती है। क्यों पड़ती, क्यों पड़ा है? अरे जब उसी में पानी जा रहा है, वो सफाई नहीं हो रही है, तो पड़ती तो रहने का कारण है। आज ठेंगना भर उसमें जल, यानी पूरी जल जमा पानी उसी में खेत में जाता है। हाँ।